टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। धासु खिलाड़ी हुआ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज से बाहर। रोहित ने नए खिलाड़ी को दिया मौका। टीम इंडिया का अगला मिशन है बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलना, लेकिन अब इस सीरीज से पहले ही भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया का एक धासु खिलाड़ी पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गया है। जो खिलाड़ी बाहर हुआ है वो भारतीय टीम के अहम सदस्यों में से एक है और उसका नाम सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार है। तो ऐसे में इस खिलाड़ी का सीरीज से बाहर होना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बता दें कि सितंबर के महीने में भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इंडिया वर्सेज बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के शेड्यूल की बात करें तो पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर को चेन्नई के मैदान पर खेला जाएगा, तो वहीं दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर को कानपुर में होगा। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज से पहले ही जसप्रीत बुमराह को आराम दिए जाने की बातें सामने आ रही हैं और इसी बीच टीम इंडिया का एक और तेज गेंदबाज इस पूरी की पूरी सीरीज से बाहर हो गया है। जो खिलाड़ी इस सीरीज से बाहर हुआ है उसका नाम है मोहम्मद शमी। बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं खेलेंगे शमी? वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शमी ने शानदार प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट के बीच में ही उनके टखने में चोट लग गई, इसके बाद उन्हें टखने की सर्जरी करवानी पड़ी और उसके बाद से ही वो क्रिकेट से दूर चल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि शमी बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे, लेकिन अभी टीम इंडिया के सिलेक्टर्स नहीं चाहते कि वो मैदान पर वापसी करें। भारतीय सिलेक्टर्स उन्हें टीम में लाने की जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि शमी टीम के लिए काफ़ी अहमियत रखते हैं, इसलिए सिलेक्टर्स उन्हें अब लंबे समय तक के लिए फिट देखना चाहते हैं। नवंबर के महीने में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने जाना है, ऐसे में उनका टीम में होना बेहद ही जरूरी है। शमी की मौजूदगी केवल ऑस्ट्रेलिया में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने के लिए भी अहम है, इसलिए सिलेक्टर्स चाहते हैं कि वो पूरी तरह से फिट होकर ही मैदान पर उतरें। कब तक होगी मैदान पर शमी की वापसी? शमी इन दिनों बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब कर रहे हैं। एनसीए में रहते हुए उन्होंने फिटनेस पर काफ़ी काम किया है और मैनेजमेंट इससे काफ़ी संतुष्ट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन शमी की उम्र और उनकी पिछली चोट को ध्यान में रखते हुए वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि शमी मैदान पर कब वापसी करेंगे? तो आपको बता दें कि भले ही शमी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ना खेलें, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो अक्टूबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी कर सकते हैं। 16 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में शमी वापसी कर सकते हैं। इससे पहले वो 11 अक्टूबर को रणजी ट्रॉफी में बंगाल की तरफ से ओपनिंग मुकाबले खेलते हुए नजर आ सकते हैं, इससे उनके मैच फिटनेस का भी अंदाजा लग जाएगा। बांग्लादेश सीरीज में कौन लेगा शमी की जगह? ये तो आपने जान लिया कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में अब शमी नहीं खेलेंगे, लेकिन उनकी जगह टीम में किसकी एंट्री होगी ये भी जान लीजिए। दरअसल सिलेक्टर शमी और बुमराह की गैर मौजूदगी में अर्शदीप सिंह को टेस्ट क्रिकेट के लिए मौका दे सकते हैं। अर्शदीप सिंह और सिराज की जोड़ी बांग्लादेश के खिलाफ आपको तेज गेंदबाजी करती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों, ये तो तय हो गया कि शमी और बुमराह बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों दिग्गजों के बिना टीम इंडिया बांग्लादेश को धूल चटा पाएगी? क्या टीम इंडिया बांग्लादेश का क्लीन स्वीप कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।